अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शमीला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। कराची ज़िलावासी के इलाके आयशा मंजिल के करीब फर्नीचर मार्केट की दुकानों में आग लगने से झुलस कर 3 अफराद जाम बहाक और 2 ज़ख्मी हो गए, जबकि करोड़ों का सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पाक सिंध 24 न्यूज़ के मुताबिक कराची के ज़िला वस्ती में आयशा मंजिल के करीब कसीरुल मंजिला अर्शी सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। महज 9 फ्लोर पर भी आग को बुझा दिया गया, जबकि पहली और दूसरी मंजिलों के फ्लैट्स की जांच का अमल जारी है। अर्शी सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग ने महज 9 फ्लोर पर फोम के गद्दों के स्टॉक को भी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आतिशबाजी के नतीजे में करोड़ों का सामान जलकर खाकसर हो गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि 2 बाउजर और 2 असनारकल भी तलब किए गए। जाए हादसा पर रश की वजह से इमदादी कामों में रुकावट का सामना करना पड़ा। आतिशबाजी के बाद पाक बहरिया के फायर टेंडर और अमला भी जाए हादसा पर पहुँच गया और आग बुझाने की कार्रवाई में भरपूर मुआवनत की। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक बहरिया के 7 फायर टेंडर्स और अमले ने आग बुझाने में हिस्सा लिया।